नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बीते मंगलवार को रात 8 बजे देश की जनता टीवी पर टकटकी लगाकर पीएम मोदी के मंगल संदेश का इंतजार कर रही थी। सबके मन में यही सवाल था कि पीएम मोदी ऐसा क्या ऐलान करने वाले हैं। आखिरकार सबको अपने सवालों का जवाब मिल चुका है। कल रात के संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना के चलते रुकी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोकल को वोकल बनाने पर जोर दिया। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। तो सुना आपने कि किस तरह पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देसी चीजों को अपनाने पर जोर दिया है। तो वहीं अब पीएम मोदी के संबोधन के अगले ही दिन अमित शाह ने कमान संभाल ली है और पीएम मोदी की इस अपील को लेकर अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स उपयोग करने की एक अपील की, जो कि निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस ट्वीट के साथ ही अमित शाह ने बड़ा फैसला सुनाते हुए लिखा कि इसी दिशा में आज गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर की सभी CAPF कैंटीनों पर ये लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। इस तरह से अमित शाह ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि अब देश विदेशी नहीं बल्कि देसी चीजों का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर बनेगा। इसका ताजा उदाहरण पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोरोना का कहर शुरू हुआ था तब भारत में एक भी PPE किट और N95 मास्क का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अब भारत एक दिन में ही 2 लाख से ज्यादा PPE किट और N95 मास्क का उत्पादन करता है। इस तरह से अब मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ चल पड़ी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें।